ये बंद हो रहा है बार बार, जिसकी आज सबसे बड़ा सत्य अभी तो आ रहा है ना, अभी कितनी अभी तो आ रहा है। मिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत ही मारी मत कही, अब मेरे पास उनको माता वो बोल रहे थे ले लिया अभी तो ट्रायल ट्रायल बैठे हुए जीरो के अंदर, आप सभी जानते हैं इसमें हजारों की तादाद बैठे हुए हैं, क्या बीतती होगी जो व्यक्ति बाद में वो निर्दोष साबित हो जाए। कुछ मुद्दे आपके सामने हमसे ज्यादा आप अनुभवी हैं जानते हैं, और उसका हल कैसे Environment Protection Act अरे उन्होंने अंदर से कर रखा। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत का संबोधन साफ तौर पर सुना जा रहा है। राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राधिकरण की 18वीं बैठक ये है, सीजीआई एनवी रमना मौजूद हैं यहां पर। जो आपको बता दें कि इस बैठक में इस वक्त सीएम अशोक गहलोत संबोधित करते हुए नजर आ रहे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी हैं यहां पर मौजूद। वहीं सीएम अशोक गहलोत जो है तमाम कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम दिग्गज। तो ये जो स्थिति बनी हुई है इसके ऊपर भी कभी आप लोग बैठ करके चिंतन करें, कोई तरीका यदि कमेटी बने, कुछ तरीका तो हो। और कुछ वकीलों के लिए है, कुछ लोग कहते हैं तो कुछ वकीलों के लिए, सबके लिए थोड़ा ही है। तो साथ में लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर ये कुछ वकीलों के लिए है तो जजेज भी जो है फेस वैल्यू दे के फैसला देते हैं, तो आदमी क्या करें कि अमुक वकीलों खड़ा करेंगे तब जाके जज साहब इम्प्रेस होंगे। अगर ये स्थिति है तो इसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देश में संविधान की रक्षा करना हम सबका एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव का और साथ में जुडिशरी का बहुत बड़ी भूमिका है। तो बार बार हम लोग कहते हैं चर्चा में तीनों बैलेंस होकर चलना चाहिए, पर जिस रूप में हालात बनते जा रहे हैं उसमें जिम्मेवारी आपकी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बल्कि मैं कई बार सोचता हूँ सबसे अधिक जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जुडिशरी कंट्रोल कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को भी,
एक हद तक। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कोई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और लेजिस्लेटिव को भी हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं देश के अंदर। रिजू जी की बातें मुझे बहुत इम्प्रेस की, अभी हिंदी में बोल रहे थे, ये हिंदी में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, इसलिए कि ये आप मीडिया खड़ा है यहाँ पर जो खुद भी दबाव के अंदर वैसे, पर आज ये वायरल हो रहा पूरा आपका, ये आपका लाइव चल रहा है ये कॉन्फ्रेंस, और जो आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, डेस्टिट्यूट के लिए कर रहे हैं, अपंगों के लिए कर रहे हैं, निःस्थजनों के लिए कर रहे हैं, बीपीएल के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जरूरत है, वो भी सुन रहे होंगे आजकल तो मोबाइल हर घर के अंदर है, उनको समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये भी हमें मिस्टर रिजू जी ने कहा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि आप या तो आजकल हाईटेक का जमाना है, कॉन्फ्रेंस के अंदर लग सकते हैं, आपके बैठ सकते हैं जो आपके इंटरप्रेटर्स होते हैं। मैं दुनिया के मुल्कों में गया कई बार, हम वो क्या आए हैं, मैं हिंदी बोला हूँ और पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना भी ट्रांसलेशन हो गया। वो टाइम आ गया है क्योंकि दुनिया सुन रही है आपको, यहाँ जयपुर में कॉन्फ्रेंस होने के मायने हैं, पूरे देश की जुडिशरी के चीफ जस्टिस आए हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हमारे माननीय न्यायाधिपतिगण बैठे हुए हैं, कितनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है ये, और पूरी दुनिया नहीं तो पूरा देश सुन रहा होगा, अधिकांश लोग पूरे किसी कोने में बैठे हुए हैं जिनको शौक है, जिनका रुचि वो सुन रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ आपसे मैं आगाह करना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कोई तरीका सा निकले समय के साथ साथ में, गरीब आदमी कोर्ट में आके अपनी बात कह सके। हालात हमें रमणी साहब को कई बार सुनता रहता हूँ ये क्या क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है कि ये अपने दिल की बात कह रहे हैं। इन्होंने एक बार कहा, नागरिकों को स्वतंत्रता स्वाधीनता और लोकतंत्र को बचाने के लिए बिना थके मेहनत करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, जो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ देश के अंदर, लाखों लोग कुर्बान हुए, लाटें खाई, गोलियां खाई, जेलों में बंद रहे, महात्मा गांधी के ज़माने से ही, पंडित नेहरू के ज़माने से ही, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियत थी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सब आपकी हमारी बिरादरी से। मैं भी वकील बना हुआ थोड़े समय के लिए, LLB किया हुआ मेरे भी, तो मैं आपकी भावनाओं के साथ में अपनी भावनाएं जोड़ रहा हूँ। क्या मूवमेंट खड़ा किया वकीलों ने, उस मोतीलाल महाराज, मोतीलाल नेहरू के ज़माने से ही, तो उनको हम भूल नहीं सकते। इनका कोट मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है उसको बचाने की मेहनत करनी है, और वो तब होगी तब, जैसे मैंने अभी रिजू जी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, मैं भी एक बात आपको कहना चाहूँगा मिस्टर रिजू जी, एक मेरी भावना पहुँचाई है नरेंद्र मोदी जी तक, मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ लगातार, पर आप तो गृह मंत्री भी रहे हैं मुझे मालूम है, आपको गॉड गिफ्ट है, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी आपकी बात को, तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र के गहने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो आज नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार भी, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं लोग उनको वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, वो चुनाव जीतते हैं, तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात करेगा देशवासियों को संबोधित करेगा,
देश सुनेगा तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो, हमारे कहने से वो कर नहीं रहे हैं, आप जाके हमारी भावना पहुंचाइए, करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा कर रहा है और वो चिंता हमें समाप्त होनी चाहिए, मेरा मानना है, बहुत जरूरी हो गया है। क्या क्या होता है अभी कोई जस्टिस पारजी वाला जी, जस्टिस सूर्यकांत जी कुछ कह दिया, ये जुडिशल का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता, 116 लोगों को खड़ा कर दिया गया, क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जजों को खड़ा कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े अधिकारियों को, पता नहीं कौन कौन थे वो, कैसे तो मैनेज किया गया, किसने मैनेज किया है, पर आपने एक इश्यू बना दिया देश के अंदर। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी भावना जो देश में हालात थे उसके व्यक्त की थी उसमें, बट ये माहौल बन गया। ये कई बातें ऐसी होती जो मुझे बहुत कठोर सी थी, मैं जो बोल रहा हूँ है ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी राष्ट्रपति महोदय आए थे जोधपुर हाईकोर्ट के उद्घाटन वाले थे, तब CJ भी थे वहाँ पर, लॉ मिनिस्टर भी थे आपसे पहले, सबके सामने मैंने कहा था, कुछ बातें मैंने कही थी, आप बताइए, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, हम सबने कहा कि इतनी बड़ी बात कर दी, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, और ये फलाफला ही हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बहुत चिंता का विषय बन गया है। उनमें से एक CJ बन जाते हैं बिचक गोगोई और बाद में वही तरीका चलता जो पहले चल रहा था, तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के सामने पूछा भाई कि मिस्टर गोगोई पहले ठीक थे अब ठीक है, समझ के परे, और बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, नॉमिनेट हो गए। ये कम से कम कुछ तो बातें हम लोग खुद को सोचनी पड़ेगी, किस रूप में हम ये जिंदगी में, मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, कोई MLA बनता है, MP बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप जज बनते, कितना गर्व होता है जिंदगी के अंदर, हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला है, कोई जिंदगी 1000 साल की नहीं होती है, और जो हमें वक्त मिला है जिंदगी का उसमें कुछ करें हम लोग, देश के लिए करें, उसके अंदर अगर हम लोग एक हम रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या बनना है, क्या बन सकते हैं, ये चिंता ब्यूरोक्रेसी में रहेगी, जजेस में रहेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही, बताइए आप, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी, शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे गए, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, बताइए ये तमाशा है कि लोकतंत्र है अभी देश के अंदर, कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी, ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर, वरना मैं आ आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता, जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री यहां मिलता आपको, अभी टेचनको का मामला था वहां पर, भाई कैसे हो सकता है ये बताइए आप। स्थिति मैं समझता हूं कि नाजुक है, हमें उसको देखना पड़ेगा, और जिम्मेवारी मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं तो देखता हूं अपने जो मिस्टर रमणी पता नहीं जल्दी रिटायरमेंट रहेंगे मेरे ख्याल, मैंने सुना है NV रमणी साहब, परंतु मैंने देखा इनका नोट, एक मुझे इतना अच्छा लग रहा कि ये अपनी कम से कम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अभी अमेरिका गए,
इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, इट इज़ द टॉलरेंस एंड इंक्लूसिव नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी दैट इज एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इन टर्न इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ग्रोथ. द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी इज यूनिवर्सल, इट नीड्स टू बी ऑनर्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. Inclusivity strengthens the unity in the society, which is key to peace and progress. We need to focus on issues that unite us, not on those that divide us. और लास्ट में नहीं भी कहा अमेरिका के एनआरआई को, please remember, you all might have become millionaires and billionaires. For you to enjoy your wealth, you need to have peace around you. Your parents back home also should be able to live in a society which is free from hate and violence. इससे भी कोई बात कह नहीं सकती. हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में. हम लोग काम करते हैं डेमोक्रेसी में. सरकार हमने भी चलाई, चली गई, आएगी, ये अलग बात है. हमारी कोई नरेंद्र मोदी जी से या बीजेपी से हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं. लड़ाई विचारधारा की होती है और संविधान हमें अधिकार देता है शासन करने का भी. गुड गवर्नेंस कैसे दें हम लोग, कैसे सबको न्याय मिले, जो संविधान की मूल भावना है. हम सबका पहला धर्म बनता. मैं बार बार कहता हूँ, एक MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जजेस भी, हम सब शपथ लेते हैं. अगर शपथ की मूल भावना को हम आत्मसात कर लें, उसमें राइट लेफ्ट नहीं हो, तो भी हमारा काम जा जाएगा. शपथ लेने के बाद भी हम लोग राइट लेफ्ट होते हैं, इसलिए आप देखिए कि बैलेंस बिगड़ता है. इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आप निश्चिंत रहें. मिस्टर रिजू जी ने बहुत कुछ कह दिया है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में. मैं अपनी भावनाओं के साथ जोड़ता हुआ ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार पहले से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और चाहे कोई योजना हो, हम लोग स्टेट अथॉरिटी को पूरा सेव कर रहे हैं. मैं समझता हूँ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए. हाई कोर्ट या जुडिशरी और सरकार के साथ में संबंध अच्छे रहते हैं. यहाँ पर आज तक मैंने कभी कोई शिकायत सुनी नहीं. आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से, हम लोग सब मिलकर के क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे. और ये जो प्रयास है इसको और कैसे मजबूत करने में सरकार क्या सहयोग कर सकती है, जो सुझाव हमें देंगे वो मानेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी का, उनकी उपस्थिति के लिए, उनके उद्बोधन के लिए. दिव्य सूचना हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव. तो इसी बीच हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप. उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी और नरेंद्र मोदी से दुश्मनी नहीं है. अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है. सीएम गहलोत आगे ये भी कहते नजर आए कि कहीं कोई अन्याय ना हो, सिर्फ इंसाफ ही हो. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सरकार और न्यायपालिका से संबंध अच्छे हो, ये कहते सीएम अशोक गहलोत नजर आए. हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी नहीं है, ये भी वो कहते नजर आए. और यह रुकते एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर.